हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गार्डनिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है आपके प्लांट में। जो अगर आप गार्डनर होंगे या आप छत पे टेरेस गार्डन के होंगे, फ्लावर्स लगाए होंगे, तो आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखना। आप लोग देख रहे होंगे इस प्लांट को, कितना सुंदर सा प्लांट है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो ये इतने ज़्यादा फ्लावर्स ब्लूमिंग कैसे होते हैं प्लांट में, उनके बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके बहुत ही काम आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। पहले आप उपयोग करिए, फिर कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आपके प्लांट में फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। आप इस फर्टिलाइज़र को जो मैं बताने वाला हूँ, आपको इसको हफ्ते में या 5 दिन में एक बार डालना रहता है और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है। ये देखिए पेंट की डब्बे हैं, तो मैं इसमें 1 लीटर आता पानी। आपको क्या करना है, आपको मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा, आप जहाँ पे तेल सरसों के तेल लेने जाते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये सरसों की खली है, देखिए ये देखिए सरसों की खली है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको 1 लीटर में मिलाना रहता है, ज़्यादा 50 ग्राम आपको डालना है। देखिए उतना मैंने डाला था, इतना और डाल देना है। मान के लिए 50 या 100 ग्राम आपको डालना है। उसके बाद आपको करना ये है, ये आपको नर्सरी पे मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ये है नीम खली। ये नीम खली है, देखिए ये नीम खली है, तो इसको भी डाल देना है थोड़ा सा, देखिए है इतना मैं डाल दे रहा हूँ। और इसके बाद करना ये है आपको, इसको अब इसको आपको अच्छे से मिला लेना है। देखिए मिला के फिर आपको आराम से इसको ढक्कन लगा के कहीं छाए वाले स्थान पे रखना है, कम से कम 3 दिन रखा रहे, उसके बाद इसका उपयोग करना है। अब उपयोग कैसे करना मैं इसको बताने वाला हूँ। मैंने पहले से एक डब्बा बना के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और ये बदबू बहुत ज़्यादा करता है, आपकी स्मेल बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें कीड़े भी आ गए हैं, नज़दीक से दिखाओ, ये इसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। तो ये कीड़े पड़ जाते हैं। ये कम से कम 2 लीटर का डिब्बा है, वो 1 लीटर का था, तो 1 लीटर में 10 लीटर आपको पानी मिलाना रहता है। तो देखिए मैंने लीटर की बाल्टी है, ठीक है, 20 लीटर पानी से मैंने भर के रख लिया है पहले से। इसको आपको इसमें मिला देना है पूरा इसे, ठीक है। देखिए देखिए ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं फर्टिलाइजर बनके एकदम बढ़िया। देखिए इसमें छोटे छोटे आपको कीड़े दिख रहे होंगे, है ये कीड़े बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं आपके प्लांट को ग्रोथ लाने में। तो आप लोग प्रयोग जरूर करना। अब इसको हम ये 20 लीटर मतलब 1 लीटर बनाना, 1 लीटर को आपको 10 लीटर मिलाना है, ठीक है। अगर 2 लीटर बना रहे हैं तो उसको 20 लीटर बनाइए, ठीक है, इस तरह आपको बनाना रहता है। अब इसको हम डायरेक्ट प्लांट में देंगे, गुलाब का प्लांट है, इसमें देखिए फ्लावर बहुत सारे, इसके पहले फ्लावर थे बहुत सारे, झड़ के हैं फ्लावर। इसमें हम लोग इसको डालेंगे, ये देखिए मैं इतना डाल रहा हूँ, कम से कम 1 लीटर होगा, 1 लीटर से कम है, जितना जिसको ज़रूरत हो उतना उसमें डाल सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ऐसे ही डाल सकते हैं। इसमें मैंने देखिए इस फ्लावर में मैंने डाल दिया हूँ, देखो इसको भी डाल रहा हूँ आपको, ठीक है।
जिसको जितनी ज़रूरत है उसमें आपको उतना, तो ऐसा आपको हफ्ते या 5 दिन में आपको करना रहता है, ठीक है। तो आपके फ्लावर बहुत ज़्यादा आएंगे प्लांट में और पत्तियाँ बहुत अच्छी सुनहरी रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो में, और मैं हमेशा वीडियो डेली डेली लाता रहूँगा और बीच में गैप नहीं करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।